इंतहाई मज़े की बिल्डिंग थी और पानी क्रिस्टल क्लियर। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं रिवरलैंड, और ये जो है ये जगह स्पेन की तरह नज़र आती है। इसकी जो स्ट्रीट्स हैं, इसमें जो टफ टाइल है और इसमें जैसे गलियां सजाई हुई हैं, और देखते हैं कि कैसा मज़ा आता है वहाँ पे। और सर्दी यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम सर्दी होती है, वो बस यही चल रही है, तो इसमें भी बस मुनासिब सा मौसम है। लाइक पंखा बंद किए हुए हैं हम लोगों ने, मैंने तो भाई पंखा बंद किया हुआ है, और एसी वगैरह जो हैं वो ऑफ़ हो गए हैं। बाकी जो पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे ट्रेन है और मॉल्स हैं, वहाँ पे एसी ऑन है। और इसके अलावा कुछ आपके साथ वो भी शेयर कर दें कि जो विज़िटर्स हैं वो ज़्यादातर इस सीज़न में आते हैं दुबई में, यूएई में। तो और हम पहुंच गए हैं रिवरलैंड में, और ये बहुत ख़तरनाक झूला था। तो ये इसकी एंट्रेंस है, और इस तरह से हम अंदर जा रहे हैं। और ये एंट्रेंस में इतना मज़े का था क्योंकि क्रिसमस का मौसम था, इसलिए उन्होंने क्रिसमस के लिहाज से भी सजाया हुआ था, और पब्लिक बहुत कम थी, और साफ़ सुथरी कम्युनिटी यहाँ पर आई हुई थी। इतनी प्यारी बिल्डिंग्स थी, मोबाइल भी इस तरह की ब्यूटी कैप्चर नहीं कर पाया जो वहाँ पे थी। और लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे पिक्चर्स बनाने आए हुए थे, और बस हर बंदे को पिक्चर्स के पोजेस याद आ रहे थे कि ये करना है, ये करना है। और पानी यहाँ का है, यहाँ पे दो तरह के पानी है, एक ग्रीन वाटर है और एक बिल्कुल वाइट क्रिस्टल क्लियर वाटर है, वो अभी हम देखते हैं। और ये देखें ये कैसे इन्होंने बनाया हुआ है, जैसे पुराने ज़माने में कुएं से पानी निकालते हैं। और ये पानी आप देख लें, क्रिस्टल क्लियर साफ़ सुथरा पानी। और ये मैकडॉनल्ड आप देख लें, किस तरह से एंटीक कैफ़ेज़ यहाँ पे बने हुए हैं। और यहाँ पे ये ना इसके करीब बैठ के लोग आपस में बातें करते हैं, और बड़ा सुकून मिलता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी और सुकून दे जगह है। एक वो इंडिया का बंदा आया हुआ था, कहता यार यहाँ पे मुझे शांति बहुत मिल रही है। और बाकी बहुत अच्छी जगह थी, बहुत कम लोगों को इसका पता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अरबी और गोरे आए हुए थे। और बहुत मज़ा आया आज के टूर का। और बस शुक्रिया।